हाय गाइस, आज हम बात करेंगे पाक नेवी की लेटेस्ट वैकेंसीज के हवाले से। तो गाइस, पाक नेवी ने आज यानी 14 अप्रैल को मजीद अपनी वैकेंसीज अनाउंस किए हैं। तो हम आज देखेंगे हाउ टू रजिस्टर ऑन पाक नेवी वाया देयर वेबसाइट और हाउ टू ज्वाइन पाक नेवी। तो चलिए हम बाकायदा देखते हैं कि आपने कैसे रजिस्टर्ड होना है और बाकी टेस्ट का प्रोसीजर कैसा होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह आज डिटेल में। तो चलिए, पहले यहाँ पे आप टाइप करेंगे ज्वाइन पाक नेवी, साइट खुलते ही आपने यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बटन नजर आ रहा होगा, आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करना है। और गाइस, आपको ये बताता चाहूँ, अभी जो रिसेंट जो वैकेंसीज आए वो सिविलियन की है, तो यहाँ पे सिविलियन ऑलरेडी मार्क है, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी, मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सो उसने कहा था यूडीसी के लिए, सो यूडीसी ओके। तो यहाँ पे इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन सामने आए, जेंडर मेल फीमेल सिंगल मैरिड, एज 18 to 30, 30 सितंबर 2019। तो यहाँ तक आपकी जो एज है इस लिमिट में होनी चाहिए। यहाँ पे यूडीसी की पोस्ट के लिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट, एडिशनल क्वालिफिकेशन 3 वीक्स, बेसिक आईटी कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस हैज टू बी डन फ्रॉम एनआईटीबी, तो वो ज्वाइनिंग के बाद है, यानी एक साल, ये जो लिखा हुआ है विद इन 1 ईयर आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के एक साल बाद। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पे नोट टाइपिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर, तो इसका मतलब जो आप टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे वो मार्क्स जो आपने हासिल किए यानी ओबीडेंट मार्क्स, और यहाँ पे टोटल मार्क्स, जो मार्क्स टोटल है आपने टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल किए। अगर इस लिस्ट में आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ यूनिवर्सिटी, अगर मिल जाता है तो जो यूनिवर्सिटी मैं ढूंढ रहा हूँ वो इस लिस्ट में नहीं है, मैं ढूंढ रहा था कराकरम यूनिवर्सिटी, तो मैं अदर क्लिक करूँगा और फुल नेम, यहाँ पे आपने फुल नेम टाइप करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप कैपिटलाइज हो जाएंगे, सो आपको मजीद इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सही रहेगा। तो यहाँ पे एनआईसी नंबर डालने हैं अपने, यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम, यहाँ पे वालिद साहब के एनआईसी नंबर, अगर नहीं है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको, मैं लिख रहा हूँ जेंडर मेल है और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपने करेक्ट लिखना है, वरना फिर वो लोग आगे से पंचायत कर सकते हैं इस मामले में। ओके, ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे हाइट आपने देनी है, आप जितने भी आपकी हाइट है, जरूरी नहीं ये भी एक्यूरेट हो क्योंकि वहाँ पे हाइट का इतना इश्यू नहीं होगा, मैं यहाँ डाल देता हूँ रेंडमली। मटेरियल स्टेटस शादीशुदा है तो मैरिड, जो भी है यहाँ पे मेरे दो सिंगल है, और रिलीजन यहाँ पे इस्लाम, आपको उसे जो भी मजहब है, और यहाँ पे आ गया सेक्ट यानी जो कौन से फिरके से, यहाँ पे जो भी आपका फिरका है आप वही डाल दीजिए, रूरल अर्बन रूरल है, यहाँ पे प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान कच्छ से ताल्लुक रखता है दोस्त,
तो मैं इसी को इस हिसाब से पाँच छः यहाँ पोस्टल एड्रेस मोबाइल नंबर या अगर है तो लिख दे, अगर नहीं तो कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर जहाँ पे आपने टेस्ट देना हो, टेस्ट इंटरव्यू वगैरह जहाँ पे देना है आपने उसको यहाँ पे चूज करना है। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ क्योंकि आप कंप्लीट हो गया काम। ये सबमिट करते आपके जो मेन विंडो कलर थोड़ा डार्क हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन दिए वो करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप दोबारा यहाँ से कैंसिल करके वहाँ जाके एडिट कीजिएगा। अगर सब कुछ करेक्ट है तो यहाँ से आप कंफर्म कीजिए और यहाँ पे आपका स्लिप तैयार है। तो गाइस यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप उस इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज चेक योर टेस्ट डेट एंड टाइम आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग सीएनआईसी। तो अभी ये टेस्ट और टेस्ट के जो टाइम और डेट है ये दोनों अभी ब्लैंक है, तो ये 72 आवर्स के बाद यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे। सॉरी, दोबारा आपको यहाँ पे इनके साथ लॉगिन करना पड़ेगा यूजिंग अपना सीएनआईसी नंबर। तो कैसे करना है आपने, सिंपल से तो यहाँ पे इस बार आपने रजिस्ट्रेशन पे नहीं बल्कि यहाँ पे स्लिप के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्यों, आप स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एनआईसी नंबर के लगाएगा। आपने अपना एनआईसी नंबर यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आपका नंबर है एनआईसी नंबर यहाँ पे आपने डाल दिया। तो यहाँ पे आपने सबमिट करना है, जस्ट जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपको शो कर देंगे। और आपने जैसे यहाँ पे इस पेज को आपने प्रिंट कराना है, जैसे कैसे यहाँ पे आपने, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल पी और यहाँ से, इसलिए आप ऐसे पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे वुमन ये आएगा तो आपने यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं और ऐसे पीडीएफ सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे पीडीएफ यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, तो इस तरह आप अपने हार्ड ड्राइव पे ही सेव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इसको, ये मैंने सेव कर लिया। आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं इस चीज को, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया चीज। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकॉन भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट के हवाले से मैं मजीद वीडियोस इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, पाक नेवी के टेस्ट के हवाले से, जो टेस्ट मैंने पिछले बार अटेम्प्ट किया था और टेस्ट मैंने पास भी कर लिया था, और सारे मेडिकल टेस्ट और जितने भी प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं सब टर्न बाय टर्न यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया, हाफिज़।